नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हूं मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं। आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना सदर के रोहता चौराहा से लेकर नगला पद्मा तक इस समय ग्वालियर रोड पर एक तरफ पानी भर जाने से रोड में काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, वहीं एक तरफ का रोड पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते वाहन एक ही रोड पर होकर निकल रहे हैं, जिस कारण वहां आए दिन जाम लग जाता है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया है कि यहां वर्षा के कारण पानी भर गया आता है और पानी का निकास ना होने के कारण काफ़ी समय से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर उन्होंने शासन प्रशासन एवं क्षेत्रीय सांसद विधायक को कई बार अवगत करा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार 3 घंटे से अधिक जाम ग्वालियर रोड पर लगा रहा और जाम का कारण आप देख रहे हैं, ग्वालियर रोड पर एक तरफ भरा यह पानी है, वहीं कई दूर दराज के लोग घंटों जाम में फंसे रहे। 5 मिनट की दूरी उन्होंने 2-2 घंटे में बितानी पड़ी। 3 घंटे से अधिक का समय जाम में लोगों ने बिताया। मेरा नाम बच्चू सिंह हलवाई है। ये बताइए जाम कितने लग रहा है, कितनी देर से लग रहा है? जाम लग रहा है यहाँ 6 बजे से, और इस वजह से जाम लग रहा है यहाँ से रोहता से लेके पद्मा नगलासा के एक साइड पानी भरा हुआ है, एक साइड से बांध निकलते हैं और दूसरी उसी साइड में खड्डे हो गए हैं, तो इस वजह से बांध निकल नहीं पाते, इस वजह से जाम लग रहा है। तो क्या यहाँ के लोगों ने किसी से अधिकारी से या सांसद विधायक से शिकायत दर्ज की है? सांसद से भी शिकायत की, सांसद भी आए थे, सांसद जी ने ये कहा था कि बरसात के बाद में नाला कंप्लीट होगा और कोई सुनवाई नहीं है, पानी एक दिन निकल जाता है, किसी दिन पानी निकलता नहीं है। मार्च से लेकर अब तक समस्या चल रही है। मौजूद हो आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड पर, ये देखिए किस प्रकार जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है ये जाम लगभग 6 बजे से लग रहा है और रात्रि के 9 बजने वाले हैं, परंतु ये जाम पूरी तरह लगा हुआ है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि जाम लगने का कारण यहाँ एक तरफ रोहता से लेकर नगला पद्मा तक पानी भरा हुआ है और एक तरफ का ही रास्ता सुचारू रूप से चालू है, जिसके चलते यहाँ जाम लग जाता है। यहाँ के लोगों ने बताया, उन्होंने सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पुलिस प्रशासन भी वाहनों को निकालने में लगा हुआ है, तो वहीं जाम की स्थिति भयानक है। वहीं वर्षा तेज होने के चलते भी रोड पर पानी भर जाता है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।